अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जमील अबासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबासी एकेडमी। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लैन, वेयर इज इट यूज्ड। लैन क्या होती है, कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। डिस्कस इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस, इसके इस्तेमाल या फायदे क्या क्या हैं। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली नेटवर्क की टाइप है। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया, कि ये छोटे से एरिया को कवर करता है। इट यूजली कनेक्ट द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विद इन वन ऑफिस और अ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, ये छोटे से एरिया किसी ऑफिस को, किसी एक बिल्डिंग को या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स को जो है वो कवर करता है। कितने से एरिया में जो है ये नेटवर्क की सहूलतें प्रोवाइड करता है। लैन इज ऑफन यूज टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क एंड प्रोग्राम, कि लैन जो है वो रिसोर्सेज शेयर करने के लिए इस्तेमाल, जैसे कि प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। लैन कैन ट्रांसमिट डाटा एट वेरी हाई स्पीड, कि ये बहुत तेज स्पीड के साथ डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ लैन आर टिपिकली फ्रॉम 10 Mbps to 1000 Mbps, कि 10 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक जो है वो डाटा सेंड कर सकते हैं। इट इज़ मच फास्टर देन डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन पे जो डाटा ट्रांसमिशन होती है उसकी निस्बत जो है ये बहुत तेज़ है। लैन कैन ट्रांसफर डाटा इन अ लिमिटेड डिस्टेंस, लेकिन इसका जो फासला है डाटा ट्रांसफर ट्रांसमिट करने का वो लिमिटेड है। देयर इज ऑल्सो अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दैट कैन बी अटैच टू लैन, कि एक लैन नेटवर्क के साथ जो कंप्यूटर अटैच करने हैं उनकी तादाद भी जो है वो भी मखसूस है कि उससे ज़्यादा आप कंप्यूटर्स अटैच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है, द नेटवर्क इन अ कंप्यूटर लैब ऑफ अ कॉलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल नेटवर्क, एक कॉलेज के कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जाम्पल है। अब इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं या फायदे क्या हैं। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाई ऑल यूजर्स इन अ लैब, कि लैन नेटवर्क के अंदर सॉफ्टवेयर की एक कॉपी जो है वो जितने भी उसके अंदर यूज़र हैं, बाकी कंप्यूटर हैं, तमाम के साथ शेयर की जा सकती है। सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूजर इन लैन, के जो लैन नेटवर्क के ऊपर यूज़र हैं उनके साथ प्रिंटर या हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा है वो भी शेयर किया जा सकता है। इट इज़ ईजी टू मैनेज द डाटा स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रलाइज कंप्यूटर इन लैन, कि इसमें जो डाटा होता है वो एक मरकजी कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है जिसको मैनेज करना जो है वो आसान होता है। नेक्स्ट है, द डाटा इज़ मोर सिक्योर फ्रॉम बीइंग कॉपीड और डिस्ट्रॉयड, कि डाटा जो है वो कॉपी होने से और तबाह होने से जो है वो ज़्यादा महफूज होता है इसमें लैन नेटवर्क में। डाटा कैन बी शेयर्ड बाई ऑल यूजर यूजिंग लैन, कि लैन नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए डाटा जो है वो तमाम यूजर्स के दरमियान शेयर किया गया होता है। उसके बाद है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, एक नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। नंबर वन पे है कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया इज यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ डाटा भेजने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो कम्युनिकेशन मीडिया कहलाती है। लो कॉस्ट लैन आर कनेक्टेड विद ट्विस्टेड वायर पेयर, कि जो सस्ते लैन नेटवर्क होते हैं वो ट्विस्टेड वायर तार के एक हिस्से में उसके साथ जुड़े होते हैं। मैनी लैंस यूज क्वाग्जल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स, कि बहुत सी लैन जो है वो क्वाग्जल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल, ये भी तारों की इकसाम है, इस चैप्टर में नेक्स्ट आगे जाके हम इंशाल्लाह इनको भी डिस्कस करेंगे। दीज केबल्स आर एक्सपेंसिव बट प्रोवाइड फास्टर कम्युनिकेशन, ये तारें महंगी होती हैं लेकिन फास्टर कम्युनिकेशन फ्राहम करती हैं। सम लैंस यूज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियो, कि कुछ लैन नेटवर्क जो है वो बगैर तार के भी ट्रांसमिशन करते हैं डेटा की। इट यूजेज इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, कि ये रेडियो वेव्स को या इंफ्रारेड वेव्स को इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं।
वायरलेस नेटवर्क्स आर इजी टू सेटअप एंड मेंटेन, तो वायरलेस नेटवर्क को बनाना सेटअप करना जो है वो आसान है। हाउएवर दे हैव लो ट्रांसमिशन रेट्स एंड लिमिटेड डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिकेशन नेटवर्क, के इसमें जो है वो दे हैव लो ट्रांसमिशन रेट्स एंड लिमिटेड डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिकेशन, तो इसमें जो डिस्टेंस है दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस का वो लिमिटेड होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है NIC, NIC stands for Network Interface Card, it is also known as LAN adapter, इसको LAN adapter भी कहते हैं। It is used to connect a computer to a network, एक computer को network के साथ connect करने के लिए ये NIC इस्तेमाल होता है। It is a circuit board installed on the motherboard, ये एक circuit board होता है जो motherboard के पर install होता है। Nowadays most computer have a network card built into the motherboard, कि आजकल जो computer हैं उनमें mostly जो है वो computer ऐसे हैं जिनके अंदर पहले से ही network interface card लगा होता है। Each computer on the network must have a network card, कि computer के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर network interface card लगा हो अगर उसने किसी computer network के साथ जुड़ना है। Different types of network card are available. Wireless network cards have an antenna that send and receive signals या data, ये computer के अंदर लगा होता है पहले से, उसके साथ आपसे जब जैसे ये इंटरनेट की या नेटवर्क की तार जोड़ देते हैं या अलग से लगा देते हैं, अगर नहीं लगा होगा तो ये लगा देंगे। इसके अलावा ये वायरलेस नेटवर्क कार्ड है जो बगैर तार के कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद ये ब्रिज है, राउटर है, गेटवे हैं, तो इनको हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यदि व्हाट इज वैन, वेयर इज वैन यूज्ड, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया, वैन का क्या मतलब है, वाइड एरिया नेटवर्क है और ये बड़े एरिया को कवर करता है। इट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज, कि ये मुख्तलिफ शहरों या मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। वैन यूजली कंसिस्ट ऑफ सेवरल लैंस कनेक्टेड टूगेदर, कि वैन वैसे में क्या होता है मुख्तलिफ लैंस कंप्यूटर होते हैं जो आपस में जुड़ते जाते हैं तो एक वाइड एरिया नेटवर्क बनता जाता है। द कंप्यूटर्स इन वैन आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन, कि वैन नेटवर्क में जो कंप्यूटर होते हैं वो आमतौर पर टेलीफोन लाइन की मदद से जुड़े होते हैं। दे कैन ऑल्सो भी कनेक्टेड थ्रू लीज्ड लाइन और सेटेलाइट, कि जो लीज्ड लाइन जो लीज मतलब जो रेंट पे या रेंटल लाइन्स होती हैं या सेटेलाइट की मदद से भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। द ट्रांसमिशन रेट ऑफ वैन इज टिपिकली फ्रॉम 56 किलोबिट्स पर सेकेंड टू 50 मेगाबिट्स पर सेकेंड, इसमें 56 KB से लेकर 50 MB तक जो है वो डाटा एक सेकेंड में ट्रांसमिट हो सकता है। वैन इज एक्सपेंसिव देन लैन, के लैन नेटवर्क वैन जो है वो एक महंगा नेटवर्क है। इट इज नॉट एज फास्ट एज लैन, कि ये लैन की नस्बत जो है वो स्लो है क्योंकि लैन नेटवर्क में जो है वो स्मॉल एरिया कवर करता है, वहाँ पर डिस्टेंस कम होता है तो डाटा की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। यहाँ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड, इंटरनेट जो है वो दुनिया में वैन नेटवर्क की सबसे अहम एग्जाम्पल है। ये देखें यहाँ पे इसकी डायग्राम दिखाई है कि ये मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कंप्यूटर्स हैं तो इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। द मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर यूज्ड इन वैन आर डिज़ाइन टू बी एक्सेस्ड बाय टर्मिनल, कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर होते हैं वैन में उनको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो टर्मिनल्स के जरिए भी एक्सेस किए जा सके। अ पर्सनल कंप्यूटर मस्ट अपेयर एज अ टर्मिनल टू कम्युनिकेट विद लार्ज कंप्यूटर इन वैन, जो वाइड एरिया नेटवर्क में जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं घरों में वो एज ए टर्मिनल काम करते हैं, कि हम अपने कंप्यूटर पर बैठ के जो बड़े कंप्यूटर हैं वाइड एरिया नेटवर्क के पर वहाँ से हम इंटरनेट की मदद से डाटा मंगवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। टर्मिनल इम्यूलेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू अलाउ अ पर्सनल कंप्यूटर टू अपेयर एज अ टर्मिनल, एक सॉफ्टवेयर होता है टर्मिनल इम्यूलेशन सॉफ्टवेयर, उसकी मदद से हम जो है एज ए टर्मिनल अपेयर हो सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। इन दिस वे द पर्सनल कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू अ लार्जर कंप्यूटर, तो इस तरह जो है एक पर्सनल कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्ट होकर डाटा एक्सेस कर सकते हैं। द लार्जर कंप्यूटर इज नॉन एज होस्ट कंप्यूटर, जो लार्जर कंप्यूटर कहते हैं इनको होस्ट कंप्यूटर कहते हैं, जैसे कि मेजबान जो है वो मेहमान की
खिदमतदारी करते हैं। इसी तरह होस्ट कंप्यूटर हैं, वो भी टर्मिनल कंप्यूटर्स की सर्विसेज जो भी वो रिक्वेस्ट करते हैं उनको वो प्रदान करते हैं। अ पर्सनल कंप्यूटर अटैच टू होस्ट कंप्यूटर कैन अपलोड एंड डाउनलोड डाटा। ये पर्सनल कंप्यूटर जो होस्ट कंप्यूटर के साथ अटैच है वो डाटा को अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी। द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर इज नॉन एज अपलोडिंग। अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? अपलोडिंग। द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर टू पर्सनल कंप्यूटर इज नॉन एज डाउनलोडिंग। अगर आप होस्ट कंप्यूटर से अपने पर्सनल कंप्यूटर में कोई डाटा लेके आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? डाउनलोडिंग। फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू डू अपलोड एंड डाउनलोड डाटा। फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल है क्वाडीजे नेटवर्क की, द नेटवर्क कनेक्टिंग द ATM ऑफ अ बैंक लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज। ये ऐसा नेटवर्क जो एक ही बैंक की जो ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ शहरों में उनके ATMs को जो कनेक्ट किया हुआ है, क्वाडीजे नेटवर्क है। द नेटवर्क कनेक्टिंग नादरा ऑफिस इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के मुख्य शहरों में जो नादरा के शनाख्ती कार्ड बनाने वाले दफाते हैं उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, वो क्वाडीजे नेटवर्क है। इंटरनेट कनेक्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन। के इंटरनेट ने पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो नेटवर्क की टाइप है वो है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मैन इसको कहते हैं। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ अ सिटी। नेटवर्क की ये जो टाइप है ये एक शहर के एरिया को कवर करती है। मैन इज लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। तो मैन नेटवर्क जो है वो लैन से बड़ा है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से वैन से छोटा होता है। इट इज़ यूजली यूज टू कनेक्ट टू आर मोर लैन इन अ सिटी अ टाउन। ये जो है वो दो लैन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं द नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ कंपनी इन सेम सिटी। कि एक ही शहर में अगर किसी कंपनी की मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल होगा वो मैन कहलाएगा। द नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट कैंपस ऑफ अ कॉलेज इन अ सिटी। कि अगर एक ही शहर में किसी कॉलेज के मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं कैंपस हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है वो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है। उसके बाद केबल टीवी नेटवर्क इन अ सिटी। कि शहर में जो केबल टीवी नेटवर्क हैं कि उनका एक जगह पे ऑफिस होता है वहाँ से जो है तारें मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर शहर के अंदर फैलाई हुई होती है वहाँ से जिसने भी कनेक्शन लेना है वो वहाँ से कनेक्शन ले सकते हैं। एडवांटेजेज हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क के। मैन कवर्स अ लार्जर एरिया देन लैन। ये लैन के नस्बत ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है? इट प्रोवाइड हायर डाटा स्पीड देन लैन। कि लैन नेटवर्क नस्बत ये ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सम डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन आर एज फॉलो। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन लैन। कि लोकल एरिया नेटवर्क की नस्बत जो है ये महंगा होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेनटेन एज कम्पेयर टू लैन। कि लैन नेटवर्क की नस्बत इसको मेनटेन करना मुश्किल है। देखें इसकी डायग्राम दिखाई हुई है, अब ये है कि कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपसेस हैं उनको आपस में इसने जोड़ा हुआ है। उसके बाद ये इनके डिफरेंसेस हैं लैन के और वैन के, ये हमें डिटेल में डिस्कस करनी है, सिर्फ यहाँ पे टेबल की फॉर्म में है तो इसको आपने देख लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने चलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की तरफ। व्हाट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल? डिस्कस डिफरेंट लैन प्रोटोकॉल। कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या क्या होंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल आर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं? रूल्स होते हैं डेटे को एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ट्रांसफर करने के लिए। द डिवाइसेज इन अ नेटवर्क कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ प्रोटोकॉल। कि नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइसेज हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती बगैर प्रोटोकॉल के। अब लैन प्रोटोकॉल की टाइप्स हैं, इसमें सबसे पहले ईथरनेट। ईथरनेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल। इट यूजेस हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी। ये हाई स्पीड नेटवर्क केबल और बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करता है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज।
ये जो है सस्ता है और इसको इंस्टॉल और मैनेज करना भी आसान है। ऑल कंप्यूटर्स इन ईथरनेट यूज सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा, कि ईथरनेट के ऊपर तमाम कंप्यूटर एक ही तार को इस्तेमाल करके डाटा को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। दे मस्ट फॉलो सेम रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, कि ये कम्युनिकेशन के लिए सेम रूल्स फॉलो करते हैं। इफ टू और मोर कंप्यूटर्स ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम द मैसेज कैन बी लॉस्ट, अगर दो कंप्यूटर एक ही वक्त में जब वो मैसेज सेंड कर देंगे तो मैसेज है वो लॉस्ट हो सकता है। अ कंप्यूटर चेक इफ द केबल इज इन यूज बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा, डाटा ट्रांसमिट करने से पहले कंप्यूटर को चाहिए कि वो चेक करे कि केबल जो है वो बिजी तो नहीं है, अगर फ्री है तार तो वो डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। द कंप्यूटर वेट इफ द केबल इज बीइंग यूज्ड, केबल तार पहले से ही कोई कंप्यूटर यूज कर रहा है तो इसको वेट करना चाहिए। इट स्टार्ट ट्रांसमिटिंग डाटा व्हेन द केबल इज फ्री, जब वो तार फ्री हो जाए तो तब ये अपनी ट्रांसमिटिंग जो है वो स्टार्ट कर दे। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड CSMA, CS कैरियर सेंस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये आगे पहले हमारे चैप्टर में ये इंशाल्लाह टॉपिक आएगा, इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद दूसरी जो इसमें टेक्निक है वो है टोकन रिंग। टोकन रिंग इज अ नेटवर्क स्टैंडर्ड दैट इज टिपिकली यूज्ड इन लैन, ये भी ज़्यादातर लैन में यूज होता है। इट अलाउ नेटवर्क डिवाइसेस टू एक्सेस द नेटवर्क बाई पासिंग अ स्पेशल सिग्नल कॉल्ड टोकन, ये नेटवर्क डिवाइसेस को अलाउ करता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें एक स्पेशल सिग्नल पास करके जिसको टोकन कहा जाता है। टोकन इज लाइक अ टिकट, कि ये एक टिकट की तरह होता है, जैसे हम बस की टिकट खरीदते हैं, अगर हमारे पास टिकट है तो हम बस में या ट्रेन में या जहाज में सफ़र कर सकते हैं, तो टोकन भी समझ लें कि एक टिकट की तरह। अ डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा ओवर द नेटवर्क ओनली इफ इट हैज़ अ टोकन, कि डिवाइस जो है वो सिर्फ तब ही डाटा ट्रांसमिट कर सकती है अगर उसके पास टोकन मौजूद है। ओनली वन टोकन इज अवेलेबल, कि पूरे नेटवर्क के ऊपर सिर्फ एक ही टोकन अवेलेबल होता है। That is why no collision can occur. इस वजह से जो है इसमें कोई collision occur नहीं होता, क्योंकि जिसके पास टोकन होगा सिर्फ वही डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज स्लो, लेकिन इसकी वजह से जो है डाटा का ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। अब देखें ये मुख्तलिफ कंप्यूटर हैं, इनके दरमियान जिसने भी डाटा सेंड करना है वो टोकन हासिल करेगा, उसके ऊपर डाटा रखेगा और रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस रखेगा, ये जो है वो डाटा को सेंड कर सकते हैं। अब कहते हैं व्हेन अ कंप्यूटर वांट्स टू सेंड मैसेज, तो अगर कोई कंप्यूटर मैसेज सेंड करना चाहता है गेट द टोकन, जो टोकन हासिल करेगा, पुट द डाटा इन द टोकन, टोकन के अंदर अपना डाटा रखेगा, ऐड द एड्रेस ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर, तो रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस भी उसमें ऐड कर देगा। ये तीन काम करेगा तो फिर जो है वो अपना डाटा सेंड कर सकता है। उसके बाद है ARCnet। ARCnet स्टैंड्स फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क, इट इज़ आ लैन प्रोटोकॉल, ये जो हमने पहले दो पढ़े हैं और ये तीसरा है, ये लैन प्रोटोकॉल है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1977, कि ये 1977 में मुतारफ करवाया गया था। इट यूजेस ट्विस्टेड पेयर, कॉक्सल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक मीडिया, ये ट्विस्टेड पेयर को, कॉक्सल केबल को और फाइबर ऑप्टिक मीडिया, ये तारे हैं, तारों की तीन किस्म हैं, उनको इस्तेमाल करके जो है ये डाटा को कम्युनिकेट करता है, ट्रांसफर करता है। ARCnet uses star bus or combination of these topologies, ये star topology को, bus topology को, इनके combinations को इस्तेमाल करता है। The original ARCnet protocol was very slow, ये original ARCnet protocol है वो बहुत ही सुस्त है, स्लो है। It supported transmission rate of 2.5 megabits per second, कि ये 2.5 MB per second के हिसाब से डाटा को ट्रांसफ़र करता है। इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज इट वॉज इनएक्सपेंसिव एंड रिलायबल, ये इसलिए मशहूर हुआ कि ये सस्ता है और रिलायबल है। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू सेटअप एंड एक्सपेंड, इसको सेटअप करना, एक्सपेंड करना, इसको बढ़ाना जो है वो आसान है। फास्ट ARCnet इंक्रीज द ट्रांसमिशन रेट टू 100 megabits per second, जो फास्ट ARCnet प्रोटोकॉल है वो 100 megabits per second भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हमारे आज के लेक्चर में हमें यहाँ तक डिस्कस करना था, नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।